वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो काफी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है, लगभग 2-3 महीने के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। क्या है ना फ्रेंड्स, इतना समय नहीं रहता था, बच्चों की एग्जाम थी और इसके अलावा भी 2 चैनल है तो उसके ऊपर भी मुझे काम करना पड़ता है, तो समय नहीं रहता था। तो इसके ऊपर मैंने कुछ एक भी ब्लॉग डाला नहीं है, तो इसकी वजह से मैं चलो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं तो उसी का वीडियो ले लेते हैं। तो और एक बात ये थी कि खुशी की बात है एक कि जो ये मेरा चैनल है मोनिटाइज हो चुका है और वो सभी चीज़ें आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुई है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर काउंट होता है वो तो फुलफिल हो ही गया आप लोगों की वजह से। और जो जो काउंट रहता है कि घंटों का जो काउंट रहता है, जो 4000 घंटे का जो काउंट रहता है ना, वो भी फुलफिल हो गया। तो वो 4000 घंटे की जगह 12000 घंटे हो चुका था, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोज इतनी ज़्यादा वायरल गई है ना, तो उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें फुलफिल हो गई और मेरा चैनल जो है वो मोनिटाइज हो चुका है। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि ये चीज़ तक आप लोगों ने मुझे पहुँचा दिया। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम जा रहे हैं वंडरलैंड वाटर पार्क। यहीं पे है, कुछ 25 किलोमीटर है वर्धा से, तो वहीं पे हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो वहां का जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो मैं इस व्लॉग में आपको दूंगी। तो चलिए घूमने के लिए। तो आप सभी लोगों को, हम सब लोगों की तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू कि यहाँ तक मैं पहुंच गई, क्योंकि एक चैनल को मोनिटाइज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों की वजह से वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो चुका है। तो चलिए अब घूमते हैं वहां पे, और आपकी इंफॉर्मेशन जो भी रहेंगी वहां की टिकट विकट सब चीजें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए, तो अब हम घर से निकल चुके हैं और ये रूट रहेगा, ये रहेगा वर्धा से वंडरलैंड वाटर पार्क का। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं समृद्धि हाईवे पे। तो देखिए यहाँ पे आरवी का बोर्ड है, बस इसी बोर्ड से हमें आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है एला केली, तो इसी गाँव से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये गाँव आने के बाद और एक छोटा सा गाँव आएगा जिसका नाम है जामनी, तो आपको रास्ते पे बोर्ड भी नजर आएंगे। तो जामनी आने के बाद और एक गांव आएगा जिसका नाम है सुकली बाई, जो हनुमान जी के मंदिर के लिए काफी फेमस है। तो बस इसी रूट से और आगे हमें आगे बढ़ना है। तो ये गांव आने के बाद फिर आएगा आंजी, तो आंजी से आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद एक बड़ा सा गेट आएगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा नरसाई माता प्रवेश द्वार, तो इससे हमें अंदर जाना है। और इस रूट से जब हम अंदर जाएंगे ना, तो आपको रास्ते में ही छोटे छोटे बोर्ड नजर आएंगे, यानी वाटर पार्क के बेस बताया गया है, तो बस हमें आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए और एक गाँव आ चुका है जिसका नाम है पवनूर, तो ये इससे होते हुए हमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बड़ा सा और एक बोर्ड दिया गया है वाटर पार्क का। तो देखिए उसके बाद एक और एक गाँव आया जिसका नाम है सुकली उभार, पहले आया था सुकली बाई, उसके बाद आया सुकली उभार। तो बस हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए फिर एक कच्चा रास्ता आएगा, तो बस इसी कच्चे रास्ते से हमें अंदर जाना है। तो ये कच्चा रास्ता खराब नहीं है, अच्छा ही है, तो बरसात में भी हम जा सकते हैं। तो देखिए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और कच्चा रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा है, बस थोड़ी देर में ही हम लोग वाटर पार्क पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से वाटर पार्क नज़र आ रहा है, तो बस हम वाटर पार्क पहुँच चुके हैं। तो वाटर पार्क काफ़ी बड़ा है, तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, शॉप्स बन रही है, और ये है वंडरलैंड वाटर पार्क का गेट है, और गेट की साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टिकट निकाल लेंगे, तो अब हम टिकट निकालने के लिए जा रहे हैं। और टिकट निकालते हैं ना, तो उसी समय वहाँ पे कॉस्ट्यूम भी मिल जाती है, तो हम कॉस्ट्यूम लेके अंदर चले जाएंगे। और टिकट का जो रेट है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, तो आप वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो हमने अभी टिकट ले ली है और कॉस्ट्यूम भी ले लिया साथ में, तो हम यहाँ पे टिकट चेक करवा रहे हैं, और टिकट चेक करवाने के बाद हम लोग फिर अंदर चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये साइड में एक कैंटीन है, तो यहाँ पे नाश्ता और खाना मिलता है, तो हम सबसे पहले नाश्ता कर लेंगे। तो देखिए हमने वहाँ पर कूपन ले लिए नाश्ते के, और खाने का भी ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि खाना जो रहता है ना वो 1 से 5 बजे तक रहता है, तो खाने का ऑर्डर पहले ही देना पड़ता है। तो नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था हमने, तो हम लोग नाश्ते का वेट कर रहे हैं। तो नाश्ते में पोहा मोट और कांदा भजिया रहता है यहाँ पे, तो हमने दोनों को ऑर्डर दे दिया था। तो नाश्ता भी अब हमारा हो चुका था, अब हम अंदर कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए जा रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जेंट्स वॉशरूम आता है, और जेंट्स वॉशरूम के बाजू में आपको लॉकर्स की सुविधा भी मिल जाएंगी, तो लॉकर्स यहाँ पे 50 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दंड भी है, जैसे 200 रुपये का दंड किया जाता है अगर यहाँ पे नशा किया जाता है तो। और यहाँ से साइड में आपको लेडीज़ वॉशरूम मिल जाएगा, तो हम अब जा रहे हैं चेंज करने के लिए। तो लेडीज़ वॉशरूम में हमने चेंज कर लिया, जो भी हमारी कॉस्ट्यूम थी वो हमने पहन लिया है। अब हम जा रहे हैं जो ट्यूब रहते हैं ना बच्चों के लिए, वो लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ट्यूब्स मिल जाते हैं और भी चीज़ें मिल जाती है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, आप वीडियो देखते रहिएगा।
तो आपको स्विमिंग पूल ट्यूब भी है 50 रुपये में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको 200 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। और बाकी के जो 3 चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल जैकेट, स्विमिंग पूल गाड़ी और स्विमिंग पूल बोट, ये आपको 100 रुपये मिलेंगी और इसके लिए आपको 400 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जो डिपॉजिट अमाउंट रहता है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो देखिए अब हमने बच्चों के लिए ट्यूब ले लिए है और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है पूल की तरफ जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ पे करना है और कहाँ कहाँ पे आप बिना पे किए भी रह सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगा ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप वाटर पार्क आना चाहते हैं तो आपकी फुल तैयारी हो जाएंगी वाटर पार्क आने की। तो देखिए सबसे पहले हम आ चुके हैं पहले नंबर के जो पूल रहता है वाटर पार्क का, उसमें आ चुके हैं। तो ये जो वाटर पार्क का जो पहला पूल है ये गहराई में भी है, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही होंगी, तो उस साइड में गहरा है ये और इस साइड में कम गहरा है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी नहा सकते हैं और बड़े लोग उस साइड में भी नहा सकते हैं, तो यानी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया, मुझे तो ये वाटर पार्क इतना अच्छा लगा ना, और इतने कम रेट में यानी काफ़ी कम फीस है इस वाटर पार्क की। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूशन में डीजे चलते रहता है, तो डीजे की आवाज़ तो मैं आपको सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो मैंने वो सारी आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो अगर आप भी कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस गर्मी में तो इस वाटर पार्क में आप ज़रूर आइएगा। देखिए हमने तो बहुत इंजॉय किया और काफ़ी नज़दीक है ये वाटर पार्क, तो मज़ा तो बहुत आया हमको। तो स्विमिंग पूल में बच्चों ने काफ़ी स्विमिंग की और ये स्विमिंग होने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पूल में। तो देखिए अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी कहाँ कहाँ पे कौन से पूल है। तो देखिए यहाँ पे साइड में भी अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे वेव्स पूल बन रहा है, अगले 1 महीने में ये वाला पूल भी तैयार हो जाएगा। तो ये है अभी 2nd नंबर का पूल है, यहाँ पे काफ़ी सारी स्लाइड्स है और काफ़ी बड़ी बड़ी स्लाइड है ये वाली। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यानी इतने नज़दीक में इतना अच्छा वाटर पार्क हम लोगों को मिल गया, नहीं तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, वर्धा वासियों को तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो वर्धा आरवी यानी जो भी नज़दीक पास के लोग हैं इन लोगों को तो बहुत ही दूर जाना पड़ता था, लेकिन नज़दीक में ये बन चुका है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी है और बहुत कुछ है, बकेट भी है बहुत, यानी बकेट का जो इंजॉयमेंट रहता है जो पानी गिरता है वो भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो देखिए आपको मैं डिटेल में बता रही हूँ और सब जगह से आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ग्रास डली हुई है, ये आर्टिफिशियल ग्रास है, फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह दी गई है यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर नेक्स्ट पूल में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे वाटरफॉल बन रहा है, अगले 1 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये है 3rd नंबर का पूल, तो ये तो काफ़ी गहरा है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए ही है क्योंकि इसकी गहराई 5 फुट या 4.5 फुट इसकी गहराई है। तो हम लोग तो इसके अंदर गए क्योंकि छोटे बच्चे नहीं जा सकते, बड़े तो जा ही सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऊपर से इसका लुक बताऊंगी, यानी पूरा वाटर पार्क है उसका ही लुक आपको बता देती हूँ। तो देखिए ऊपर से कितना सुंदर दिखाई देता है ये। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे पूल दिख रहे हैं आपको, ये जो रूम्स बन रहे हैं ये यहाँ पे लॉजिंग सिस्टम बन रहा है, कहीं कोई बाहर से आता है तो यहाँ पे रुक भी सकता है। तो देखिए ये ऊपर से ये वाली जो स्लाइड है कितनी सुंदर दिख रही है। तो हमने तो यहाँ पे स्विमिंग भी की क्योंकि काफ़ी गहरा था ये, और ये 3rd नंबर का पूल है। तो टोटल यहाँ पे अभी जो है 4 पूल अभी यहाँ पे खुले हुए हैं और भी पूल यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये पूल में इंजॉय करने के बाद हम अब नेक्स्ट पूल में जाएंगे। तो ये देखिए ये है अभी नेक्स्ट पूल, तो ये 4th नंबर का पूल है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है, पानी तो यहाँ पे गहराई में नहीं है, थोड़ा सा ही पानी नहीं है, लेकिन इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे जो आपको ऑक्टोपस दिख रहा है वहाँ पे रेन डांस भी होता है, तो डीजे तो कंटिन्यूशन में चलता है, एक डीजे ऊपर भी दिया गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा, और एक डीजे नीचे भी दिया गया है। तो काफ़ी गर्दी रहती है यहाँ पे, कैसा है हम लोग संडे यानी वीकेंड में नहीं आए थे, हम वीकेंड छोड़ के आए हैं, तो वीकेंड अगर छोड़ के आते हैं ना तो गर्दी कम दिखाई देती है, लेकिन जब हम वीकेंड में आते हैं सैटरडे संडे को तो काफ़ी गर्दी रहती है यहाँ पे। और यहाँ का जो स्टाफ है ये तो बहुत ही अच्छा है, यानी यहाँ के जो स्टाफ का जो बिहेवियर है वो तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, काफ़ी ध्यान दिया जाता है यहाँ पे कि, और जगह जगह पे बताया जाता है कि यहाँ मत जाइए वहाँ मत जाइए, यानी हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ध्यान दिया जाता है, यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे तो हमने बहुत मज़ा किया, बकेट्स भी इतनी बड़ी बड़ी थी, अच्छा लग रहा था, पानी भी बहुत अच्छा गिर रहा था और मज़ा आ रहा था हम लोगों को, आप भी आइएगा। तो देखिए अभी 3 बज चुका था और 9 से 5 बजे तक का वाटर पार्क का टाइमिंग है, तो हम 3 बजे यानी 1 बजे से लेकर 5 बजे तक खाना रेडी हो जाता है, तो हम लोग 3 बज चुका था, तो हम लोग खाना खाने आ चुके थे।
तो खाना सर्व करके दिया जाता है यहाँ पे। तो खाने में भी बहुत कुछ वैरायटी थी, तो देखिए हमने खाना सर्व कर लिया है और खाने में क्या क्या रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो खाने का जो रेट है वो अलग से पे किया जाता है। तो खाना 70 रुपये प्लेट है यहाँ पे और नाश्ता 30 रुपये प्लेट है। तो अगर आपको खाना और नाश्ता चाहिए तो उसके लिए कूपन दीजिए। अगर नहीं खाना चाहते आप खाना तो कूपन नहीं भी ले सकते हैं, और नाश्ता नहीं करना चाहते तो वो भी चलता है। तो अगर आप ये घर से भी लाना चाहते हैं ना तो आप घर से भी ला सकते हैं खाना और यहाँ पे खा भी सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो लोग नहीं चाहते यहाँ का खाना खाना तो वो बाहर से भी यानी हम घर से भी ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है और यहाँ का जो खाना हमें काफ़ी टेस्टी लगा, तो हमने तो खाना नहीं लाया था। और देखिए यहाँ पे खाने में क्या क्या मेनू दिया जाता है वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ये मेनू यहाँ पे रोज़ दिया जाता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको कि कोई चीज़ आपको कम दी जा रही है। तो चलिए अब टिकट की बात करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं उनकी टिकट है 500 रुपये, और जो छोटे बच्चे आते हैं जो है 3.5 फीट के नीचे जो बच्चे आते हैं उनकी टिकट है 350 रुपये। और कॉस्ट्यूम यहाँ पे कंपलसरी है, यानी कॉस्ट्यूम का जो चार्जेस है वो 50 रुपये है। तो इस तरीके से आपको 550 रुपये पे करना पड़ेगा बड़े लोगों के लिए, और छोटे लोगों के लिए 400 रुपये पे करना पड़ेगा। और खाने का जो वो ऑप्शनल है, अगर आप घर से लाते हैं तो वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा तो वाटर पार्क घूमना हो चुका है, अब हम काउंटर पे अपनी जो कॉस्ट्यूम है उसको देने जा रहे हैं। और कॉस्ट्यूम जब हम लेते हैं तो उसके लिए डिपॉजिट करना पड़ता है, वो रहता है 500 रुपये। तो बस हम काउंटर पे अब कॉस्ट्यूम दे देंगे और जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है 500 रुपये वो आप रिटर्न ले लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने वाटर पार्क इंजॉय किया, आप भी ज़रूर आइएगा। तो वाटर पार्क कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त भाइयों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।